जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। तस्बीह मलिक तनवीर कराची में होता हूँ, बट राइट नाउ आई मीन पंजाब। आप देख रहे हो मेरे पीछे, सुबह सुबह का टाइम है, तो गुड वाली मॉर्निंग हो गई आप सबको। आज के सीन क्या है वो आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो फ़िलहाल अभी तैयारियाँ कब्रिस्तान जाने की, अम्मी के पास हाज़िरी देना है, उनसे सलाम दुआ करनी है, उसके बाद बाकी काम करना है। तो आओ फिर, मैं फ़िलहाल कब्रिस्तान जा रहा हूँ, फिर आप मेरे साथ रहें, चलते हैं कब्रिस्तान, पहले अम्मी से मिलते हैं, फिर दूसरे काम करते हैं। चलो भाई, अलहमदिल्ला पहुँच गया हूँ कब्रिस्तान। आप देख रहे हो मेरे पीछे कब्रिस्तान है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको अपनी वालदा की कब्र, मिलवाता हूँ आपको अपनी वालदा से। तो जो जो वीडियो देखने वाले हैं, प्लीज़ उन सब से रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा के लिए दिल से दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। चलो आओ, काफ़ी अर्से बाद आया हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। अपने हाथ से सफाई करता हूँ, फिर यहाँ थोड़ा कब्र को साफ़ करेंगे, पानी डालेंगे, फिर उसके ऊपर बैठ के तिलावत करूँगा, फिर दुआ करूँगा। तो आओ फिर चलते हैं, पहले सफाई करते हैं इंशाल्लाह। दर्द बटोड़ाए एवें बुआ खड़के आ किन्ने आणाए ओ मां दे बांगू किन्ने दर्द बटोड़ाए एवें बुआ खड़के आ किन्ने आणाए एवें रौले पाना कावां लभदियां नी तुर जावण इक बार ते मावां लभदियां नी मंदा मूचो बोल जे निकले टोक दिया चंगी माड़ी थां तो मां वही रोक दिया। यह है मेरी वालदा की कब्र, देख रहे हैं। वो है मेरे दादा की कब्र, वो मेरे कजन की कब्र है, ये तकरीबन वो मेरे दादा के दादा, इस तरह की सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, ये सारी कब्रें उनकी हैं और ये मेरी वालदा की है। चलो वो बैठते हैं वालदा के साथ, उनके कदमों में बैठते हैं, थोड़ी सी उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, क्या हाल हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालदा को टाइम दिया करो यार, अगर वो जिंदा है तो तुम बहुत खुश नसीब हो। उनके साथ बैठो, बातें करो उनके साथ। उठ मां कर चलिए मोड़े या मुख मैं तो केड़ी गलों माए नी मोड़े या मुख मैं तो चलो यार, वालदा की कब्र साफ़ की, थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत की, दुआ मांगी, फिर कुछ वक्त अपने वालदा के साथ गुजारा। गुजारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ सुकून मिल रहा है यार। आप सब भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरी वालदा के लिए। चलो मैं अभी चलता हूँ घर, जाता हूँ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, सुबह सुबह मैं उठा और मैं यहाँ आ चुका था क्योंकि वालदा से मिलना ज़रूरी था। वैसे मैं कल पहुँचा था यहाँ पर, तो कल यू नो थक गया था थोड़ा ट्रैवल कर करके ना, तो फिर मैंने सोचा कि आज जाऊँगा, ज़रूर मिलूँगा। अब से इंशाल्लाह रेगुलर आऊँगा, जब तक यहाँ हूँ तो ज़रूर अपनी वालदा के पास आऊँगा। आप सबकी वालदा का जिंदा है तो भाई बैठो, टाइम दो उनके साथ। हमें पता है जब वो थी हम लड़ते थे, झगड़ते थे, गुस्सा करते थे, क्या यार ये है वो है, लेकिन वक्त का पता नहीं लगता दोस्त, वक्त गुजर जाता है। चलो अभी मैं घर जाता हूँ, भाई भी खड़ा हुआ है, बाइक निकाल रहा है, फिर घर जाता हूँ, नाश्ता वगैरह करता हूँ
और अभी बहुत सारे काम हैं यहाँ पे, जिस काम के लिए आए हैं वो काम भी, बहुत सी चीज़ें करनी हैं अभी। तो चलो फिर घर जाके मिलता हूँ आपसे। भाई ये देखो 6:37 और अभी शाम हो चुकी है, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं हुई। आप मौसम चेक करो। आ चुका हूँ तो आप देख रहे हो अभी यार, पता है सीन क्या है, पंजाब आने के बाद जो गर्मी है इधर, ओए होए होए, यकीन मानो कब्रिस्तान से आने के बाद सीधा मैं आया हूँ अंदर और मुझे बाहर जाने की फुर्सत भी नहीं हुई, क्योंकि फुल टायर्ड गर्मी थी यार। सारा दिन घर पड़ा रहा और फिर अभी मैं खुद बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, कि मैं चेंज किया है, चेंज करके अभी फिर खुद राउंड लगाने बाहर जा रहा हूँ। चलो देखो कैसा मौसम है यार। गर्मी थी, मुझे वाले साहब ने बोला था बेटा गर्मी टायर्ड वाली हो रही है। मैंने कहा नहीं नहीं हम एडजस्ट कर लूँगा, ये है वो है। उन्होंने बोला तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। अरे कर लेंगे यार, लेकिन बाकी अब्बा जी तुम सही थे, गर्मी डाढ़ी और डाढ़ो गर्मी आ है इधर, मतलब ऐसी गर्मी है कि मैं किसी से मिलने भी नहीं जा पा रहा। बड़ा दिन ठंडा होगा फिर जाऊँगा। कराची का मौसम तो ऐसा है ना कि मतलब आप दोपहर तक इंतज़ार करते हो, 3-4 बजे तक या 5 बजे तक मैक्सिमम, कि 5 बजेंगे तो मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन इधर वो सीन नहीं है। मैंने इंतज़ार किया कि 4-5 बजेंगे, बाबा इधर तो 8-9 बजे के बाद भी मौसम ठंडा होने का नाम नहीं लेता। चलो अभी बाहर वॉक करता हूँ, चलता हूँ आपको भी दिखाता हूँ। ये देख रहे हो गांव की खूबसूरती तो इन्हीं चीज़ों में है। देखो हाय इन्ने प्यारे प्यारे जानवर, निक्के निक्के जानवर, तुम देखो यार हरियाली देख रहे हो, हर तरफ हरियाली हरियाली। सुकून चेक करो, कोई शोर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कच्चे मकान, ओए होए होए क्या बात है यार। वेदर देखो, ये अभी कुछ जाके बेहतर हो, ना पहले ऐसा नहीं था, बहुत बुरे हालात थे। चलो यार आज कुछ दिखाने को है नहीं, भी मेरा पंजाब है, मैं भी बहुत से यहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पे मेरे अपने कज़नों के जो है फार्म वगैरह भी हैं, कैटल फार्म वगैरह से बोलते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। आज के दिन यही था, कब्रिस्तान गया फिर सीधा घर आया और घर आके फिर मैं सो गया, और सोया नहीं हूँ यार, बस लेटा रहा। ये वो गर्मी थी तो कहाँ, लेकिन यहाँ लाइट का तो अच्छा निज़ाम है कि 1 घंटे की जाती है और फिर नहीं जाती। कराची में तो कुत्ता खुआरी थी, वैसा नहीं है। चलो आज के व्लॉग यहाँ तक था, उम्मीद करता हूँ तुम सबको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा प्यार दिखाना, और अगर तुम्हें कुछ लगता है कि यार मुझे स्पेशली वो चीज़ दिखानी चाहिए, तो मैं पंजाब आया हूँ, अपनी ख्वाहिशात मिटाओ, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या देखना है, पंजाब के कल्चर में तुम्हें क्या पसंद है। आई विल ट्राई कि जो आप मांग रहे हो मैं वही आपको दिखा सकूँ। तब तक स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा जैस कैश अकाउंट नंबर मंगवा के 50,000 मुझे भिजवा दीजिएगा, क्योंकि मैं इधर पंजाब आया हुआ हूँ तो मेरे पास पैसा नहीं है, इस वजह से मैं बत पे आया हूँ। बत पे आने की वजह से मेरे हालात ओल ताई दो गए। अगर तुम चाहते हो कि तुम भाई की मदद चलो, तो फिर तुम जो है ना थोड़े बहुत पैसे मेरे तो भेज दो, ठीक है। बाय, अल्लाह। भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुश हो।